छोटा जानवर किसानों के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। आवारा पशुओं के झुंड खेत के खेत चढ़ जाते हैं। किसान रात भर जाकर अपनी फसलों को बचाता है। गांव कनेक्शन ने 19 राज्यों के 18,000 लोगों से बात की, जिसमें 43% लोगों ने ये माना कि छुट्टा जानवर उनके लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। महंगा खेती उगाते हैं, मगर जो है कि नीलगाय, बंसुअरा, बंदर जो है कि सब फसल को नष्ट कर देते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आवारा जानवर है और जंगली जानवर। आवारा पशुओं की तो बहुत है, देखो कड़े हैं, बल्द घूमते हैं, वो तो अपने अपने घोषणा सबके बात हुए। हाँ, मेरे पास एक गाय है, इनके पास एक गाय है, इनके दो दो गाय हैं। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती करने में क्या समस्या आती है? आवारा पशुओं की। हमारे यहाँ छुट्टा जानवरों की संख्या पिछले 2 वर्षों से शुरू हुई है। पिछले साल अकाल घोषित था हमारे जिला बलौदा बाजार भाटापारा, इसी नाम से मवेशी संख्या छुट्टा ज़्यादा हो गई और चारा के लिए है ही नहीं है, पैरा नहीं है, घास नहीं है, हरा घास क्या खाएगी? आवारा पशु छोड़ देते हैं लोग। सर्वे के मुताबिक जहां 43% लोगों ने ये माना है कि छुट्टा जानवर उनके लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं, वहीं 28% लोगों ने यह भी माना है कि ये उनके लिए कभी समस्या ही नहीं थे। सर्वे के मुताबिक 20% लोगों ने ये कहा कि ये हमेशा एक समस्या ही थी। देखो साहब, मेरे पास ये 4-5 भैंसे। अच्छा। इनको मैं चारा चराता हूँ, घास लगाता हूँ, इनको पूरा दूध लगाता है और काफी साल से हो गया, बहुत ज्यादा होगी। सांड फिर बैंक से लोन ले करके खेती करते आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, जिसमें कि खेती हम लोग महंगा खेती करते हैं, बढ़िया खेती करते हैं, अच्छा खेती करते हैं, मगर उसमें जो है कि जानवरों के चलते हम लोग का फसल बर्बाद हो जा रहा है, बैंक का कर्जा हम लोग चुका नहीं पा रहे हैं। हमारा पशु तो इतने आगे हैं जो फसल को पूरा बराबर टाइम तक जाने नहीं देते। इसके लिए सरकार जो है इसका उपाय लगाए, इसको हटाए यहाँ से, कहीं इसको बंधक बना करके किसी जंगल में छोड़े इसको, कि हम लोग का खेती बचे। नुकसान तब करते हैं जब उसको खाने का नहीं मिलेगा, कोई भी मतलब जानवर को भरपेट मिलेगा तो क्या ही नुकसान करेंगे, क्योंकि फसल ही नहीं हो रहा है, अकाल घोषित है और बारिश भी कम हो रही है तो क्या करेंगे, और भूजल स्तर की में कमी आई है, नाला में पानी भी नहीं है, कहाँ से फसल होगा? तो अगर फसल होगी तो चारा की व्यवस्था होगा, पैरा होगा, तो चरने के लिए उसको मिल नहीं रहा है, तो इसी नाम से आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन जब उसको खाने के मिलेगा तो काहे नुकसान करेंगे। छोटा जानवरों की एक समस्या तो है, ये निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि छोटा जानवरों का कोई ना कोई मालिक रहा होगा, और वो हमारे पशुपालक जो उनके मालिक थे, उन्होंने जब तक कि काम हुआ वो हमारे लाभदायक थे तब तक तो हमने पास रखा, और जब नहीं हुआ तो उन्होंने बाहर छोड़ दिया। अब प्रश्न उठता है कि इन पशुओं से कैसे बचा जाए, तो निश्चित है कि जब अधिनियम बनाया है, सरकार ने बनाया है, तो निश्चित है उसका कोई ना कोई उपाय होना चाहिए कि इस प्रकार के गोवंश को संरक्षित किया जाए, क्योंकि गोवंश निवारण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण का भी प्रस्ताव है कि सरकार गौशालाओं के माध्यम से, गौसदनों के माध्यम से, या पब्लिक के कोई भी समिति उसके माध्यम से इनको, या स्वयं अपने ऐसे स्थान बनाए जहाँ पर इनको संरक्षित किया जाए। तो मनरेगा में किसानों को या जो हमारे मजदूर हैं उनको 100 दिन के लिए रखा जाता था और उनको पैसा दिया जाता था। इसी प्रकार यही मनरेगा का प्रयोग हमारे इन गौशालाओं, ये गौ संरक्षण गृहों, इसमें भी करें, ताकि वो उन व्यक्तियों को जो कि अपना गांव छोड़ करके बाहर चले जाते थे कमाने के लिए, कम से कम वो अपने गांव में रहेंगे और उनको एक रोजी रोटी का भी साधन मिल जाएगा। चरागाह की व्यवस्था थी, गोचर के चरागाह की व्यवस्था थी, जहाँ पर गोवंश को चरा करके पाला जा सकता था। धीरे धीरे करके इस पर भी अतिक्रमण हो गया, लोगों ने चरागाह और गोचर पर
अतिक्रमण करके अपने अपने घर बना लिया या खेती में इसको बदल दिया, तो वहाँ पे भी परेशानी। तो अब सरकार को चाहिए कि गोचर और चरागाहों को मुक्त करें अतिक्रमण से। दूसरी चीज़, संरक्षण में इन चरागाहों गोचर भूमि पर संरक्षण के लिए ऐसे बाड़े बनवाएं जहाँ पर इन गोवंश को रखा जा सके, ताकि वो वहाँ पर रह करके उनका भरण पोषण हो। दूसरा, उनको पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पर इलाज की व्यवस्था हो, सब तरह की जो भी व्यवस्था चाहिए वो हो।